डालोगे ना बगल में बच्चा गाँव में ढिंड हो रहा तो पूरा घूमने के बाद हमें पता चला भाई हमारे बिल्डिंग के नजदीक तो है। अच्छे नहीं बनते फिर ये देखो बनाई ये मेरे बाबा मेरे लिए ये तो हम लोग ये हमने नहीं किया भाई ये अचानक से गिरे अभी। रेड बुल बहुत पिया हूँ ये रेड बुल का कुछ नया है शायद दे दो ना एक प्लेट सीख दे दो। तो ये भाई साहब अपना बटर स्कॉच फालूदा एंड अपन कर रहे हैं कुछ। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब बात सुन इसी क्या अभी बज रहे एक में पाँच कम एंड अब भी अपन उठ रहे बिकॉज हमारी जो है आज छुट्टी है एंड डैडी की जो है आज छुट्टी है तो हम लोग जो है आज लेट उठे एंड सारे काम लेट हो गए। गुड मॉर्निंग एंड डैडी भी चाय पीने वाले अभी चाय निकालने वाले। और क्या कर रहे हो भैया? मैं खाकड़ा खा रहा हूँ। खाकड़ा गाँव का? तो हमारी जो छुट्टी है वो है मंडे के दिन दो पिछले दो हफ्ते से और प्रॉब्लम ये हो रही है कि मंडे के दिन बाल कटिंग वाला मिलता नहीं क्योंकि जितने भी सलून से वो बंद होते हैं। तुमको बाइक सीखनी है ना? बाइक सीखेंगे क्या? तुमको आती थी ना पहले थोड़ी बहुत? नहीं मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है बाइक से? मैं कभी चलाया नहीं हूँ चीज़ें। दादी चलाई नहीं इन्होंने कभी? नहीं डर लगता है। हाँ तुम तो बोलते थे पहले कि तुम चलाते हो। पहले चलाता था लेकिन अब बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? दो जगह एक्सीडेंट हो गया ना मेरे सामने तो वो तो क्या हुआ वो तो मतलब होता है अभी चीज़ें नहीं अभी किसी के नहीं जिसकी नसीब में रहता है उसकी तो एक्सीडेंट होता ही है। अब्बा ने चाय निकाल के देखे आ गए तुमने मेन दौड़े निकाल दिए तो चाय तो ठंडी हो जाएगी फिर मेन दौड़े खाली चाय हो तो यही होता है मम्मी डैडी का प्यार ना। पहले सुफिया ने पार्सल आया तेरा कुछ? अभी नहीं लगा। क्या मंगाया? क्या अच्छी टी शर्ट है डेली पहनने के थे ना मैच वगैरह खेलने के अच्छी जर्सी है वो। हाँ भाई जेरोक्स कराने आए थे और जेरोक्स वगैरह हो गया प्रिंट आउट वगैरह दे दिया अभी जाते हैं घर एंड देखते क्या करना है रात। हाँ यही वाला ऐसा वाला 80 रुपये का इससे अच्छा नहीं है क्या कोई स्टाइल वाला कोई? नहीं नहीं अभी एक सीन हो गया अपन ने देखा है थे रॉड अपनी मस्टैंग साइकिल में लगाने के लिए बट सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है स्पेस ही नहीं है लगाने के लिए ये रॉड जो है वो छोटा है एंड नट निकाल के अपने को रॉड लगाना पड़ेगा तो देखते ही जाते हैं अभी साइकिल वगैरह निकल के पास एंड लगा के आते हैं। देख रहे हो काम पे काम कितना ज़्यादा आ रहा है भाई। अभी साइकिल वाले अंकल के पास जाना है फिर उसके बाद जाना है वलीमे में रात में तो एक के बाद एक काम निकलते ही आ रहा है। तो अंकल बोल रहे कि रॉड मत लगाओ क्योंकि जो एक्सेल है वो अपने को बड़ा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा एंड अंकल ने पैसे भी रिटर्न दे दिए। और अगर सिंगल नट पे अपन लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना जोड़ आता है ना। तो गाइस अभी बज रहे 8 और हम लोग को जाना था वलीमे में बट हम लोग लेट हो चुके हैं और ट्रैफिक का भी टाइम है तो मैंने सोचा कि नहीं जाते हैं। यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि मुझे कहीं बाहर लेके चल तो मम्मी और हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर देखते किधर जाते हैं कुछ पता नहीं है बस ऐसे तैयार हो गए जस्ट निकल रहे। तो गाइस अब्बा को मैंने पूछा था साथ में चल जाएगा बट अब्बा आ रही नहीं है। देखो कई सारे रीजंस है बोलो क्या रीजंस है आपके बताओ क्यों नहीं आना चाहते हो? अकेले घर में हैं। हाँ और चाचा आए नहीं अभी तक तो दादी तो बैठेंगे ना आराम से घर में। नहीं नहीं तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ चाचा का। हाँ वो आ जाए तो फिर तुम लोग जाओ ना बेटा। अच्छा तो चाचा आएंगे मैं फ़ोन करूँगा तो आएंगे क्या तुम फिर पीछे जा रहे ना? हाँ हम लोग पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे बाहर जाके कुछ खा लेते बट कुछ भी यहाँ पे ऐसा है नहीं जो खा सकते और कुछ मिल रहा नहीं है सिवाय पानी पूरी सेव पूरी एंड दही पूरी के। तो रिलायंस स्मार्ट के पास जा रहे देखते हैं वहाँ पे कोई पेस्ट्री वगैरह मिलेगी और चीज़ें मिलेगी तो घर का भी सामान ले देंगे। तो चलो अरे तो मेरे को क्या मालूम मैं बोला गूगल मैप थोड़ा गलत बता रहा हूँ मेरे को यहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं है ऐसा डिजाइन वाला नहीं तो तुम। हाँ ये अपना है अपना। हाँ यहाँ से रास्ता है यहाँ से रिक्शा और टेजी पकड़ता हूँ मैं। तो गाइस सीन ऐसा हो गया कि मेरी गलत फहमी और गलती हो ये हो गई कि हम लोग ने जो है पूरा ऐसा सर्कल मार दिया
और क्या बोलते हैं मतलब और वो टाइल होंगे ना बगल में बच्चा गाँव में ढींढ रहा तो पूरा घूमने के बाद हमें पता चला भाई हमारे बिल्डिंग के नज़दीक तो है। मैंने जी पहुँच गए रिजान स्मार्ट पिकअप एनी फॉर 99 रुपीज़ का है वहाँ दो कोई भी दो बाय वन गेट वन में तुम्हारे को जो चीज़ इसमें लड्डू भी है कुकीज़ भी है पापड़ भी है। सही है अच्छा है रोटी लेंगे कौन है बाय वन गेट वन है 130 में दो आएंगे। रेडबुल बहुत पिया हूँ ये रेडबुल का कुछ नया है शायद द ग्रीन एडिशन रेडबुल एनर्जेटिक ड्रिंक ड्रैगन फ्रूट फ्लेवर 480 में चार सही आ रहे हैं। बहुत बोर लग रहा है ना लेडीज लोग के साथ में आना पड़े ना अब तो 9:30 घर पहुंचना था बट वो भी नहीं पहुंच पाएंगे शायद है ना। अनानास 50 रुपए का है चीज स्प्रेड भी दे दिया अमूल का जो कि काम आता है ब्रेड पे वगैरह पे लगा के खाने के लिए एंड रोटी वगैरह जो भी चीज़ में ऐड ऑन करना होता है ना चीज़ तो ये डाल सकते हैं इसमें और ये जिंजर फ्लेवर है स्पाइसी है जिंजर ट्रॉली नहीं देना पड़ेगा अपने को बास्केट देना पड़ेगा छोटे में ट्रॉली की तो ट्रॉली भी बास्केट नहीं है मेरे पास। ये वो ना हाथ में पकड़ पकड़ के परेशान हो गया तुम्हें तो स्वागत है हमारा ट्रॉली मोटो व्लॉग में यहाँ साइड हड़िया हो एकदम कौन सा ये मसाला नूडल्स है और ये सॉस वाला है सॉसेस फ्लैट नूडल्स हैं फ्लैट नूडल्स वो पतले वाले जो आते हैं तो कौन सा देना चाहिए रामेन मैंने कभी खाया नहीं है हाँ तो वही ट्राई करते हैं ये वाला तो ये वाला रामेन अपन ट्राई करने वाले हैं रामेन खाया नहीं है मैगी तो अपन खाते रहते हैं मैगी तो ऑल टाइम फेवरेट है ये जो वाली जो कि अभी है स्टॉक खत्म होगा तो हम लोग डी मार्ट से देखेंगे यहाँ से नहीं देखेंगे बिकॉज डी मार्ट पर बढ़िया ऑफर है उसके ऊपर और यहाँ पे उतना अच्छा ऑफर नहीं है ये तो हम लोग ये हमने नहीं किया भाई ये अचानक से गिरे अभी ये मैंने नहीं किया कसम से नहीं किया मैंने ये हमने नहीं किया था ये अपने आप गिरा मेरी कोई गलती नहीं है इसमें क्या बोलते सुबह गलती है अपनी अपन तो बात कर रहे थे ना अपने आप गिराओ गाइस फाइनली जो है शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी ना तो कुछ भी नहीं था हम लोग कहते हैं यहाँ कुछ खाने के लिए हमको लगा था एक डी मार्ट जैसा होगा यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा पेस्ट्री वगैरह हम लोग ने खरीदी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी है जो कि घर पे खाने के लिए काम आएंगी एंड अपन जा रहे अभी कुछ खाने के लिए तो देखते हैं आगे कुछ खाने के लिए मिलता है ही एक प्लेट से कितने की 70 दे दो ना एक प्लेट सीख दे दो सजिए आएगा पूरा ये पूरा इतना जाएगा इतना जाएगा ना तो गाइस सीख एंड चिकन लेग पीस देना था तो वो अपन ने दे दिया अभी अपन जा रहे सामने एक फालूदे का स्टॉल लगाता है वहाँ फालूदा पीने मैं तो नहीं पीऊँगा मेरे को सर्दी है सुफियान के लिए जा रहे और इसको पिलाते फिर वहाँ से अपन जाते सीधा घर पे एक दो चम्मच पी लूँगा बट इतना नहीं पीऊँगा हाँ देखते हैं दुकान पर करती है जब अपन गए तो फालूदा पड़ा हुआ अभी बन रहा है अपना यहाँ पे फालूदा मैं एक दो चम्मच ही खाऊंगा तो गाइस ये आ गया अपना बटर स्कॉच फालूदा तो ये भाई साहब अपना बटर स्कॉच फालूदा एंड अपन कर रहे हैं टेस्ट सही है टेस्ट तो अच्छा है बढ़िया टेस्ट है और देख रहे हो इसमें ड्राई फ्रूट भी है देखो देख रहे हो काजू भी है ठंडे से एलर्जी
फिर भी इतना सारा मैंने खा लिया, अभी मैं सुफियान का दीज रखने के, नहीं तो नहीं खाता था मैं। तो गाइस फाइनली अपना हो गया फालूदा वगैरह खा के, एंड अपन अभी जा रहे हैं घर पे। तो आज का दिन भी काफ़ी बढ़िया था, उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी काफ़ी बढ़िया गया होगा। एंड इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते तो बस गाइस आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगर तुम लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, एंड चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग तुम लोगों को व्लॉग वगैरह देखते हुए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय।